कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉग के मेम्बरान के लिए एक नया वे आउट लेकर आया हूँ। मेरी कोशिश रही है तमाम तर व्लॉग्स में कि जो एग्जेक्टिव के मेम्बरान हैं उनको मैं वक्तन फवक्तन एड्रेस करता रहूँ कि उनको क्या करना है। ये एक ही दिन में आपको लाखों रुपए का मुनाफा देगी और जितना आपने वेट किया ना 5-6-7 साल ये सारा का सारा फ्रूट आपको मिलेगा। पैनिक मत करें, मेरी एडवाइस ये है। येट अगर आपके पास नॉन वैलिडेटेड फाइल है और आप लिक्विफाई भी नहीं करना चाहते, आप स्मार्ट सिटी के मेम्बर रहना चाहते हैं, तो एक मेरे पास ऑफर मौजूद है, एक वे आउट मौजूद है। आप ओवरसीज प्राइम बन के प्लॉट लें। आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करके ये बताना है कि एग्जेक्टिव की फाइल के कितने पैसे आपके पास पेड है, एक नंबर, प्लस आपके पास नई फाइल लेने के कितने पैसे मौजूद हैं, नंबर टू, नंबर थ्री कितने मरले की फाइल लेना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ाने मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉग के मेम्बरान के लिए एक नया वे आउट लेकर आया हूँ। मेरी कोशिश रही है तमाम तर व्लॉग्स में कि जो एग्जेक्टिव के मेम्बरान हैं उनको मैं वक्तन फवक्तन एड्रेस करता रहूँ कि उनको क्या करना है। देखिए, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान हैं जिनके पास 5 मरले वाली फाइल 17 लाख वाली है बैलेटेड है, 10 मरले वाली फाइल 30 लाख वाली है बैलेटेड है, आपके पास ये हॉट चॉकलेट है, खाली टाइम का वेट करें, इसको तो लिक्विफाई मत करें, वेट करें, पैनिक मत करें। 17 लाख वाली फाइल मौजूद है बैलेटेड है, मत पैनिक करें। 30 लाख वाली फाइल मौजूद है बैलेटेड है, मत पैनिक करें। बिकने रहा अभी मार्केट में कुछ, इसलिए नहीं बिक रहा कि मार्केट कैपिटल स्मार्ट सिटी की डाउन है, इसलिए नहीं बिक रहा कि मार्केट ओवरऑल डाउन है, ठीक हो गया। तो अगर तो आपके पास पुरानी फाइलें हैं, जिस तरह एग्जेक्टिव की फाइल पुरानी 45 लाख वाली फाइल थी, 45 या 46 लाख वाली एक कनाल की, और वो बैलेटेड है, ऑल ड्यूज क्लियर है, ये आपके पास हॉट चॉकलेट है, ये एक ही दिन में आपको लाखों रुपए का मुनाफा देगी और जितना आपने वेट किया ना 5-6-7 साल ये सारा का सारा फ्रूट आपको मिलेगा। पैनिक मत करें, मेरी एडवाइस ये है। अगर नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, मैं ये कह सकता हूँ आप लिक्विफाई कर दें, लेकिन मैं यहाँ पे एडवाइस ये कर रहा हूँ। अब जिनके पास एग्जेक्टिव की ये फाइल्स हैं वो उनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। जिनके पास एग्जेक्टिव की फाइल मौजूद हैं वो नॉन वैलिडेटेड है, मैं ये समझता हूँ कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, क्योंकि उनका कोई पुराने हाल नहीं है कि वो आगे जाके क्या होगा, मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। वैलिडेटेड फाइल्स का तो मैंने बता दिया ना। अब जिसके पास एग्जेक्टिव की नॉन वैलिडेटेड फाइल है, 5-6 साल हो गए हैं और मज़ीद आप वेट नहीं करना चाहते, 2-3 ऑप्शन है, लिक्विफाई कर दें, लिक्विफाई करेंगे तो आपको शायद पैसे छोड़ने पड़े, रिफ़ंड कर लें, रिफ़ंड करेंगे तो आपको फिर शायद पैसे छोड़ने पड़े, या अल्टरनेट प्लान की तरफ जाएं। अल्टरनेट प्लान की तरफ, आपका ये जो इन्वेस्टमेंट थी आपकी प्रॉपर रिसर्च नहीं थी, या आपको किसी डीलर ने गलत गाइड किया था, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि अगर आपने 2016-17-18 में कोई एग्जेक्टिव की फाइल ली है और अभी तक वो बैलेट भी नहीं है, तो आपके डीलर ने आपको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, आपने भी थोड़ी बहुत सुस्ती दिखाई, प्रॉपर आपका रिसर्च वर्क था ही नहीं, ये आपको इन्वेस्टमेंट्स करने नहीं चाहिए थे, लेकिन येट आपने कर दी। 2022 में भी लोगों ने एग्जेक्टिव की फाइल्स की परचेजिंग की है। येट अगर आपके पास नॉन वैलिडेटेड फाइल है और आप लिक्विफाई भी नहीं करना चाहते, आप स्मार्ट सिटी के मेंबर रहना चाहते हैं, तो एक मेरे पास ऑफर मौजूद है, एक वे आउट मौजूद है। आप ओवरसीज प्राइम बन के प्लॉट्स लें, काफ़ी रीजनेबल प्राइस आपको मिल जाएंगे। अगर आप मिनिमम बुकिंग की तरफ भी जाते हैं तो 7-8 लाख रुपए आपको पे करना है मिनिमम, आपके पास कैश इन हैंड मजीद होना चाहिए। आप ओवरसीज प्राइम वन को लॉक करें, उसकी फाइल्स की तरफ जाएं, उसके प्लॉट की तरफ जाएं, बैलेटेड प्लॉट की तरफ चले जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट मौजूद है, फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव में अगर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, हार्डली 5-7 लाख, 10 लाख, 12 लाख इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, कोई खास ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई हुई। कुछ लोग हैं जिनके पास कमर्शियल फाइल्स भी हैं, उनके लिए मैं एक और व्लॉग करेंगे, लेकिन रेजिडेंशियल प्लॉट्स वालों के लिए मैं व्लॉग कर रहा हूँ। आपके पास एग्जेक्टिव की फाइल, आपको 2-4-5-6 लाख या 10 लाख पेड है, लेट अस सपोज 20 लाख भी पेड है, और आप जेन्युइनली प्लॉट की तरफ जाना चाहते हैं, आप ओवरसीज प्राइम वन का कोई भी प्लॉट बाय करें, सस्ते से सस्ता कर लें, 5 मरले वाला कर लें, 8 लाख डाउन पेमेंट है उसकी, वो बाय करने के बाद ट्रांसफ़र करें अपने नाम पर और ये वाली फाइल सारी की सारी मर्ज करवा दें। आप नुकसान से भी बच जाएंगे, मार्केट डाउन है, ओवरसीज प्राइम वन में भी जो ह्यूज प्रॉफिट्स आने थे और ह्यूज प्रॉफिट्स में आपने प्लॉट्स लेने थे वो भी, उसे भी आप बच गए, आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे प्लॉट मिल गया। प्लस ये जो आपका जर्नी है जिसमें आप समझते हैं कि आपका पैसा डीवैल्यू है, आप इसको ओवरसीज प्राइम वन में कन्वर्ट करने के बाद आप अपनी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। मजीद कैसे इसको कंटिन्यू करना है, आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करके ये बताना है कि एग्जेक्टिव की फाइल के कितने पैसे आपके पास पेड है, एक नंबर, प्लस आपके पास नई फाइल लेने के कितने पैसे मौजूद हैं, नंबर टू, नंबर थ्री कितने मरले की फाइल लेना चाह रहे हैं। ये तीन इन्फॉर्मेशन मुझे अगर नंबर्स में आप व्हाट्सएप करते हैं मैं आपको फौरन गाइड कर सकूंगा आपको उसी फाइल लें। ओवरसीज प्राइम वन की काफ़ी फाइल्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, सेलर्स को पैसे चाहिए, आप अपने थोड़े बहुत पैसे उनको दे के उनसे ट्रांसफ़र ले लें, इस फाइल को मर्ज करवा दें, इसको कंटिन्यू करें। जो आप समझ रहे थे कि आपको एग्जेक्टिव में नुकसान हो गया, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो ओवरसीज प्राइम वन में कन्वर्जन मिल जाएगी और ये लॉन्ग रन में आपका एक प्लॉट बन जाएगा, टेंजिबल एसेट बन जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल साबित रहेगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफिज़।